नमस्कार, स्वागत है आपका 1:10 बजे फटाफट खबरों में। काबुल से 85 भारतीयों को लेकर एयरफोर्स के विमान ने उड़ान भरी। 200 और लोगों को एयरलिफ्ट करने की भी है तैयारी। तालिबान कुछ हफ्तों के लिए भीतर के अफगान सरकार के ढांचे को लेकर लेखा जोखा जारी करेगा। किसानों का विरोध प्रदर्शन है जारी। रेलवे ट्रैक किया जाम। वहीं यूपी के 2 रेलवे स्टेशनों पर 4 ट्रेनें रद्द हुई। पंजाब दिल्ली की रूट भी प्रभावित हुई। अवंतीपोरा में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक बीजेपी नेता राकेश पंडिता की हत्या में भी शामिल था। झारखंड जज मौत मामले में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ करेगी सीबीआई। नोटिस भेजने की तैयारी में है एजेंसी। झारखंड के दुमका में शादीशुदा महिला को निर्वस्त्र कर घुमाया गया। 12 के खिलाफ केस दर्ज हुआ। वहीं 6 लोग गिरफ्तार। बिहार पंचायत चुनाव से पहले मुखिया पति को गोलियों से पुनः चाकू गोद कर अपराधियों ने दूसरी हत्या को भी अंजाम दिया। बाढ़ के बाद अब बिहार में 5 बड़ी चुनौतियां सामने आई। डायरिया, डेंगू के साथ चिकनगुनिया, मलेरिया और टाइफाइड का है खतरा। अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य महकमा, सिविल सर्जन को दिए गए हैं निर्देश। पंजाब किंग्स में शामिल हुए T20I के डेब्यू में हैट्रिक लेने वाले नाथन एलिस, रिचर्डसन और मेरेडिथ बाहर हुए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली देश विदेश की खबरें आपको मिलती रहे। स्वदेश वाणी।